अब हम चूँकि लार्ज कंट्री के केसेस पे जा रहे हैं, यानी कि अब जो प्राइसेस के अंदर या सप्लाई के अंदर ज़रा फ़र्क आएगा, प्राइसेस पे इफेक्ट डालेगा, तो वो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड और रिलेटिव प्राइसेस पे भी फ़र्क डालेगा। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि जो ऑफ़र कर्व के अंदर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है ये उसका, ठीक है, और ये रिलेटिव प्राइस जो हम लोग पीपीसी के ऊपर सब चेंजेस लाएंगे ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, पी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय पीएम प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ये दोनों मैंने आपको पहले शुरू का जो इस बार जो हमने पिछले महीने जून में शुरू किया है उसके अंदर ही भेजा था। ठीक है, तो उसी के वाले से मैंने उठाया, कोई नई चीज़ नहीं थी। अब लार्ज कंट्री केसेस पे चले ताकि वो समझ में आ सके। ठीक है, इन फॉर्मूले को याद रखिएगा, आगे मैं आपको कहानी जो है वो बता। अच्छा, अब फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होंगी और अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन टू भी तो यही है ना, लार्ज कंट्री केस के अंदर आपका फेवरेबल कौन सी कंडीशन है और अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी है, सवाल आ गया। चलो, अच्छा सवाल के मायने तो कुछ ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू मैं देखती हूँ किधर गया वो, एक ये मिल गया जी आप लोगों का सवाल मुझे फाइनली, ये चले सीधा कर दूँगा यही ना सवाल आते हैं ना दूसरा और तीसरा। हाउ कैन ग्रोथ लीड टू अ डिटोरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द लार्ज कंट्री। अब डिटोरिएशन यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का कम होना, यानी कि फ्लैटर हो जाना, और या फिर लार्ज कंट्री के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड का अनफेवरेबल हो जाना। ठीक है, कैन ग्रोथ एवर इम्प्रूव अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड, इफ़ सो वेन, यानी कि इसके अंदर आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड का ख़राबा कहाँ होगा वो भी बताना है और टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा कहाँ होगा वो भी बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसी का सवाल सॉल्व करवा दूँ, इससे आपके लार्ज कंट्री केस के दो चीज़ें सॉल्व और हो जाएंगी। ठीक है, चलें ये अब आपके सवाल का हल करने शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ इसको बराए मेहरबानी अपने अपने अल्फाजों में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों के अल्फाजों में ज़रा सा भी मेल जोल आया तो मैं मुझे तो नहीं अलबत्त आप दोनों को पकड़ लेंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चलो अनफेवरेबल यानी कि जो डिटोरिएशन वाला था उसकी तरफ। सपोजिंग दैट एक्स इज देन एक्सपोर्टिंग एंड वाई इज द इम्पोर्टिंग। ठीक है, ये आपका आ गया पीपीसी। अब आफ्टर ग्रोथ जो है यानी कि जो ग्रोथ टेक प्लेस करती है, ठीक है चलो लिखते हैं, अब ग्रोथ जो आई, ग्रोथ वाज बायस्ड टूवर्ड्स लेबर। अब लेबर की तरफ बायस थी, यानी कि ये एक्स लेबर वाला है, इसका मतलब ये है यहाँ पे। अब चूँकि ये लार्ज कंट्री का केस शुरू हो गया है तो अब इनकी तरफ से आई भी कोई भी तब्दीली इंटरनेशनल मार्केट को हिला के रख देगी। सही है, तो भाई अब चूँकि एक्सपोर्ट की गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ज़्यादा जाएगी। अब आ जाओ, अब छोटे छोटे ग्राफ साइड पे बना के ना मेंटल मैथ्स खेलेंगे अपने साथ, यानी इकोनॉमिक्स को मेंटली सॉल्व करना सीखेंगे। किसी भी चीज़ की, जैसे अब आपको याद हो डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स याद है इंटरनेशनल मार्केट का,
ठीक है, डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स, फिर इसके अगली वीडियो से बन रही थी आपकी वो इंटरनेशनल की प्राइस लाइन, सही है। अब क्या हुआ क्या जो गुड थी उस एक ही गुड की बात हो रही है, तो एक्स जो गुड चल रहा था, एक्स गुड की मार्केट चल रही थी इंटरनेशनल, इन्होंने क्या किया भाई, ये सप्लायर हैं, एक्सपोर्ट्स के सप्लायर हैं इस गुड के, उन्होंने जब उन्होंने देखा ग्रोथ हुई है तो जाहिर सी बात है जितनी एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ा दी इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या हुआ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, यानी कि जो ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन यहाँ थी ये अब यहाँ आ गई इस एक गुड के लिए, यानी कि जो प्राइस ऑफ एक्स था वो प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो गया, प्राइस ऑफ एक्स वन हो गया, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइस लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं जो इनिशियल के अंदर थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर, ये थी आपकी इंटरनेशनल जो रिलेटिव प्राइसेस की लाइन, ठीक है, ठीक है, ये रिलेटिव प्राइस की लाइन है, बिफोर ग्रोथ की, ठीक है, यानी इसके ऊपर प्राइस ऑफ एक्स इज प्राइस ऑफ वाई इंटू 100, इसके ऊपर अभी नई प्राइसेस अफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देख, ठीक है, बड़ी सिंपल, चलो 100 को इग्नोर कर दिया आपने, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गई, यानी कि ये वाली चीज़ कम हो गई, तो पूरे रेशियो का क्या होगा, एज यूजुअल कम हो जाएगा, न्यूमरेटर का कम होना है, यानी कि कम होना। अब इसको मैं मैथमेटिकली भी समझा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी, ये 5/2 था, ये 2/2 हो गया, 5/2 था 2.5 जब आएगा ये 1 आ गया, 2.5/1, यानी कि पूरा का पूरा रेशियो कम हो गया। अब पूरा रेशियो का कम होना यानी कि ये जो लाइन स्टीपर है अभी थोड़ी फ्लैटर बनेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये था आपका प्रोडक्शन का पॉइंट और ये रहा आपका कंजम्पशन का पॉइंट जो कि बिफोर ग्रोथ चल रहा था। अब चूंकि लाइन फ्लैटर होनी है तो ये रही लाइन, ठीक है, बल्कि इसका आपको वो ट्राइंगल भी बना के दिखाई देते हैं, चलें ये यहाँ पे इसका पहले बना के जो है यहाँ पे इसका ये आपने बना लिया, ठीक है, ये आ गया आपका बिफोर ट्रेड का ट्रेड ट्राइंगल, ऐसे ही बनता है ना, हमने कंपैरेटिव एडवांटेज में भी ऐसे बनाया है, हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी ऐसे ही बनाया था, ठीक है। अब चलो अब जो नई रिलेटिव प्राइस है इसकी कहानी लिख भी तो रहे ना साथ में, थोड़े से बुलेट पॉइंट्स आपको बना दें, ठीक है। मोर ऑफ लेबर ने आपको मजबूर कर दिया कि आपने एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, इसका मतलब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का बढ़ना इंटरनेशनल मार्केट में एक्स की प्राइस को कम कर गया, जिसने एट द एंड रिलेटिव प्राइस रेशियो की जो लाइन थी उसको कम कर दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं काम नहीं हो सकता था, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलें, यानी कि ये जो यहाँ पे स्टीपर है रिलेटिवली स्टीपर है, अब जो अगली लाइन हम बनाएंगे वो इससे थोड़ी फ्लैटर बनेगी, यानी कि यहाँ पहले तो मैं पैरेलल लेके जाऊँगी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा लेटा दूँगी, ठीक है, यानी कि अच्छी खासी लेटा दूँगी, थोड़ा बहुत तो नहीं, अच्छा खासा वाजे फ़र्क नज़र आना चाहिए। ये यहाँ से मैंने ला के ये यहाँ खड़ी की, अब जो नई बना रही हूँ मैं रेड से बना रही हूँ, ठीक है। अब पता नहीं तुम लोगों को इस चीज़ में मेरे कलर नज़र आते हैं या नहीं आते, सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया आपका प्रोडक्शन का पॉइंट जो आप ग्रोथ है, और जो नया कंजम्पशन का पॉइंट है वो तो यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि ये प्रोडक्शन का पॉइंट और ये कंजम्पशन का पॉइंट आफ्टर ग्रोथ कौन सा बनता है वो मैं बाद में मालूम करती हूँ, ठीक है। पहले आपको मैं ट्रेड ट्रायंगल बना कर दिखा देती हूँ,
हम देख रहे हैं ट्रेड ट्रायंगल के अंदर एक वाजे फ़र्क आया है, यानी कि एक अच्छा खासा एक एक्सपेंडेड ट्रेड ट्रायंगल छोटा सा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट की जो था वो सस्ता हो गया था, बल्कि इतना सस्ता हो गया था, उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसकी प्राइस इतनी कम हो गई थी कि उसका ज़्यादा मार्केट में जाना भी उस घाटे को नहीं पूरा कर पा रहा था। ठीक है जी, तो अब ये कौन सी किस्म की बनता है, चलो अब ये भी चेक कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये एक्स एक्सपोर्टिंग है, तो ये प्रोट्रेड ही हो गया, एंटी ट्रेड हो गया ना। तो आपका जो प्रोडक्शन पॉइंट है, नज़र आ जाए, ठीक है, जब प्रोडक्शन पॉइंट है वो एंटी ट्रेड प्रोडक्शन पॉइंट बन रहा है, ठीक है, एंटी ट्रेड प्रोडक्शन पॉइंट। वेयर एज कंजम्पशन चेक कर लेते हैं, तो कंजम्पशन क्या बन रहा है, ये कंजम्पशन की दो लाइन्स, ठीक है, ये एंटी ट्रेड था तो ये इसका जो है ये प्रो ट्रेड था तो ये एंटी ट्रेड होगा, अब ये एंटी ट्रेड था तो ये अल्ट्रा एंटी ट्रेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो कंजम्पशन पॉइंट विल बी अल्ट्रा एंटी ट्रेड कंजम्पशन पॉइंट। ये तो आ गया वो पहला पार्ट कि आपकी कौन से किस्म की ग्रोथ होगी जो कि लार्ज कंट्री केस के लिए नुकसानदेह साबित होगी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि फेवरेबल कौन सी होगी।